गिर गया। उस स्कूल में सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त खराब मौसम को देखते हुए स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी और सभी बच्चे अपने अपने घरों में छुप गए थे। नहीं तो भारी भरकम पेड़ की चपेट में आने से बड़ी घटना घट सकती थी। वही शहर में पेड़ों के गिरने से विद्युत सेवा पूरी तरह से बंद हो गई। शहर वासियों को कई घंटे अंधेरे में ही गुजरने पड़े, लेकिन बिजली न होने से जल प्रदाय सेवा भी बंद हो गई थी। पानी न मिलने से लोग प्यासों से व्याकुल होने लगे। वही मासूम बच्चों का तो और भी बुरा हाल था। वहाँ विद्युत मंडल के जूनियर इंजीनियर बीएम द्विवेदी ने बताया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद विद्युत सेवा को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। गैर तरफ है कि एक और जहां जनमान बिजली और पानी की कमी से परेशान था, वहां अचानक आए मानसून ने जंगली जानवरों की प्यास बुझा दी। जहां महीनों से सूखे हुए नदी तालाबों में पानी की झलक दिखने लगी। उमरिया जिले से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। पानी मतलब पेड़ है तो कल आंधी तूफान से गिरा है, और क्या कहते हैं कि बच्चे लोग उधर नहीं थे। बच्चे लोग अगर होते तो बच्चे लोग की दुर्घटना होती। अब हम लोग अंदर थे, बहुत आंधी तूफान आ रहा है, लाइट नहीं है, और मतलब लाइट की जगह पानी वानी कुछ हम लोग को नहीं मिला है, और बहुत परेशानी। पूरी बात बताओ। कल अभी बारिश हुई थी, जिसके कारण अभी यहाँ मंदिर पे नीम का पेड़ गिर चुका है, जिसके कारण हमारे घर के सामने पूरा जाम हो चुका है, और बिजली भी चली है। कल से बिजली गई है, अभी तक बिजली नहीं आ पाई है। जिसके यहाँ पे बगल में स्कूल है, और ये पेड़ है, अगर सब कोई होते तो बहुत उसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, जिससे बहुत बच्चे भी उनको घायल हो जाता अगर खेलते वगैरह। तो बहुत तेज आंधी थी, जिसके कारण अधिकांश पेड़ टूट गए हैं। आलम यह है कि उमरिया की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा। बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना जो है पेड़ लगा हुआ था, और आंधी तूफान और पानी इतनी जोरों से चली, जिसमें से जो पेड़ जो गिरा, तो बगल में स्कूल है, उस समय जो है स्कूलें बंद थी और बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, और ये दुर्घटना आ भी सकती थी कि बच्चे लोग अगर होते तो कई बच्चों की हादसा हो गई होती, और जिसमें लाइट वाइट बिल्कुल बंद है और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सैकड़ों वर्ष पुराना नीम का पेड़ था, बहुत जर्जर भी हो चुका था, और श्रीमान कलेक्टर साहब विजय आनंद कुरील साहब थे, हमने एप्लीकेशन दिया था कि इसकी तराशी की जाए, लेकिन हमारी अनसुनी की गई। उसकी कॉपी हमारे पास है, और कल अचानक इतनी ज़ोर से आंधी आई, और बच्चे यहाँ खेला करते रहे, लेकिन पानी के गिरने के कारण वहाँ बच्चे नहीं थे, और इतना ज़ोर से पेड़ नचा कि पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। उस मालिक की कृपया थी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और श्रीमान हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी आओ लाइट काट गए, और ये करीब 17-18 घंटे होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गर्मी से बिलक रहे हैं और पानी प्यासों से मर रहे हैं। स्कूल है, स्कूल बंद हो चुका रहा, यदि घर ना आए होते तो बहुत से बच्चे घायल। पेड़ गिर गया, सैकड़ों साल पुराना पेड़ था ये है, और उसके बाद फिर पेड़ गिरा, किस्मत से ये रहा कि लाइट वोट भी बंद रही, करंट वरेंट भी नहीं फैला, खम्भा वम्बा पूरा गिर गया सब है। यहाँ लड़के लोग भी भला किस्मत से नहीं रहे उतनी टाइम, ठीक समझ लीजिए। फिर यहाँ स्कूल भी था, स्कूल भी बंद रहा, वो ये स्कूल मतलब पानी गिर रहा था, तो स्कूल के लड़के लड़की भी नहीं आ पाई साइड भला, और नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। घर भी सामने है, दो चार लोगों का बहुत मतलब वो हुआ है, लेकिन मतलब ये हो गया। वो लाइट भी बंद है, तो हमारे यहाँ पूरी रात लाइट बंद रही, दिन में भी लाइट बंद है, नाला भी सब ऐसे पड़े हैं सब, मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। संदर्भ बताएं, कल तूफान बड़ा तेज आ रहा था, तो शहर के अंदर बहुत सारे पेड़ टूट गए हैं, जिसके जो हमारी लाइन पर गिर गए थे, तो रात को हम लोगों ने मैक्सिमम लाइन तो चालू कर ली है। अभी भी दो चार मोहल्ले की लाइट बंद है, क्योंकि छोटी लाइन काट टूटे हुए हैं, उसका काम लोग कर रहे हैं जल्दी जल्दी किए दे रहे हैं। संसाधन एक्चुअली बहुत सारा बढ़ गया है, और मैन पावर कम है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है काम पूरा करने में।